हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कि जहां डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट योग एसोसिएशन द्वारा की जा रही है और उस स्कूल का नाम है पाइट पब्लिक स्कूल NFL में पानीपत। और यहां लगभग आज पानीपत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी CBSE HBSE जितने भी स्कूल हैं आज सबके बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा आयोजन है और हमारे जो अधिकारी हैं वो क्या क्या वहाँ उन्होंने सब प्रबंध किया है। आपको वहाँ अपने साथ लेके चलते हैं, हमारे साथ आप रहिए और आप चलिए दिखाते हैं कि कैसे कैसे मैनेजमेंट और कैसे इसका सब की प्रक्रिया होती है कि बच्चे की कैसे उपलब्धियाँ अपनी अपनी ले आज हमारे सामने प्रदर्शित करेंगे, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हम पाइट संस्कृति स्कूल जो NFL में वहाँ पहुँच चुके हैं। ये आज योगा एसोसिएशन की तरफ से चार्ट पे बोर्ड पे लगाया गया है और ये स्कूल है जो जिसमें आज हमने डिस्ट्रिक्ट योगा चैम्पियनशिप करवाई है। ये पाइट स्कूल है जो NFL में है। तो यहाँ आज है जो यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम हैं वो रेखा मैडम हैं, उन्होंने भी इसमें बड़ा साथ दिया है जो यहाँ हमने चैम्पियनशिप कराई है। तो ये जो बीच में चारों तरफ क्लासरूम है और ये देखिए आज जो हमें ये ट्रॉफी हैं, मेडल्स हैं जो आज बच्चों को हमने देने हैं, जो बच्चों की पोजीशन आएगी। तो ये बीच में एक हर तरफ क्लासेज हैं और उनके ये मैम हैं रेखा मैम जो अभी स्टार्ट कर रही हैं कि जो आज की कॉम्पिटिशन है उनको स्टार्ट करने के लिए वो स्टार्ट कर रही हैं। Joining the competition, it is an achievement. And all the best, enjoy the day, be comfortable and be resilient. Thank you so much. जो मैम के साथ हैं ये वॉइस प्रिंसिपल हैं यहाँ स्कूल से और ये जो माइक पे गए हैं जितेन मलिक सर हैं जो हमारे हर गेम में सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़ी मेहनती कोच हैं ये। और ये इनके साथ अशोक हैं जो कोच हैं हमारे और सेक्रेटरी भी हैं एसोसिएशन में। और ये स्टार्ट हो गई है, सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं जो 8 या 9 साल के जो बच्चे जो कैटेगरी आती है 8 और 9 साल की उसमें सबसे पहले ये बच्चे हैं जो अपना परफॉर्मेंस देने के लिए आए हैं। और यही से जो असली प्रतिभा है यहाँ से स्टार्ट होती है जो आगे निकल के आती है और जो बड़े बड़े पदक जो अपने देश के लिए जीतते हैं यहीं से ये प्रतिभा स्टार्ट होती है। ये शुरुआत की नींव है जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ये मासूम जो बच्चे होते हैं ये आज कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे पोजिशन लेने की ताकि हमें मेडल मिले। और जितने भी बच्चे आज यहाँ पर कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए आए उनको हम सबको एक पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट देंगे और जो पोजीशन आएंगी बच्चों को उनको मेडल्स जो है वो लास्ट में वितरित किया जाएगा। और यहाँ लगभग सभी स्कूलों के बच्चे आए हैं। देखो, योग शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। और इसी वजह से आप देखते हो कि 21 जून 2015 को जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था उस अवसर पर 192 देशों ने पार्ट लिया था और जिसमें 47 मुस्लिम देश थे जो योग दिवस आयोजन में शामिल हुए थे। और उस दिन दिल्ली में एक साथ 35,985 लोगों ने अभ्यास किया था। इसमें 84 देशों के प्रतिनिधि थे जो वो भी मौजूद थे। इस अवसर पर भारत ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए उस दिन जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा सके। पहला रिकॉर्ड था कि एक जगह पर सबसे अधिक लोगों के एक साथ योग करने का बना, तो दूसरा एक साथ सबसे अधिक देशों के लोगों को योग करने का। योग का उद्देश्य योग के अभ्यास के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना था, लोगों को स्वास्थ्य पर योग के महत्व और प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को जो योग का अभ्यास करते हैं वो सिर्फ हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारी सरकार का
कि इससे जो जागरूकता बढ़े और नई नई प्रतिभा देश के अंदर निकल कर आए और हमारा स्वास्थ्य है, हेल्थ जो वो प्रॉपर ठीक रहे। इसका मैं जिक्र करता हूँ कि ये योग है जो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है और पवित्र भी है उसमें भी जिक्र किया है, जो भगवत गीता में बड़े पैमाने पर भगवान कृष्ण ने विभिन्न तरीकों से योग शब्द का उपयोग कर किया है। उसमें एक पूरा अध्याय जो छठा अध्याय है सहित जो पारंपरिक योग का अभ्यास को समर्पित ध्यान के सहित करने के अलावा इसमें तीन योग जो प्रमुख का प्रकार का उसका परिचय दिया है। पहला है जो कर्म का योग, कार्रवाई का योग। इसमें व्यक्ति अपनी स्थिति के उचित और कर्तव्य के अनुसार कर्मों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करता है। और दूसरा है जो है वो भक्ति योग है। भक्ति का योग यानी कि भगवत कीर्तन, जो इसे भावनात्मक उच्चारण वाले लोगों को सुझाया जाता है। और तीसरा है जो ज्ञान योग है, यानी ज्ञानार्जन करना। इस प्रकार से योग आज से नहीं कि बहुत जब से सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें तो बड़ी प्रमुखता से इसका योग का उच्चारण किया गया है। योग का महत्व आदिकाल से ही पता है कि भाई इसका कितना महत्व है। और इसीलिए जो ये कंपटीशन होते हैं, अब हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप करा रहे हैं, उसके बावजूद यही बच्चे जो आज पोजीशन लेंगे, अपर आएंगे, उनको हम फिर स्टेट में भेजते हैं, वहाँ स्टेट चैम्पियनशिप लड़ते हैं ये बच्चे। वहाँ पे जिनका स्टेट में पोजीशन आ जाती है, उसके बावजूद फिर हम इन्हीं बच्चों को नेशनल के लिए भेजते हैं, वहाँ नेशनल में अपनी पोजीशन प्राप्त करते हैं। तो मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि आप भी अपने बच्चों को गेम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट करवाओ, पार्टिसिपेट करवाओ। उनसे ना बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें विभिन्न तरीकों की उनके अंदर काबिलियत होती है, और उस काबिलियत को निकालने के लिए इस तरह के कॉम्पिटिशनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम स्कूलों में या जहाँ स्टेडियम होते हैं वहाँ पे बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, और पेरेंट्स हैं जो कई बार साथ नहीं देते, बच्चों को कॉम्पिटिशन में नहीं भेजते या पार्टिसिपेट नहीं करवाते। तो वहाँ पर जो कोच होते हैं, जो फिजिकल टीचर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उनका कहीं ना कहीं हृदय भी दुखता है कि जिस बच्चे की हमने कितनी सारी तैयारी करवाई और उसके बावजूद पेरेंट्स कई बार साथ नहीं देते। तो मैं सभी अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स से आग्रह करूँगा, मेरे भाइयों से, मेरे दोस्तों से, कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्ट कराएं। तो उस स्पोर्ट्स में कितना कितना फ्यूचर है, आप देख सकते हो कि अपने देश से कितनी प्रतिभाएँ निकल रही हैं, कितने बड़े बड़े स्तर पर ओलंपिक में मेडल आ रही हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स में मेडल आ रही हैं, कॉमनवेल्थ में कितने मेडल आ रहे हैं। लड़कियां भी अब कम नहीं हैं, देखो छोटी छोटी लड़कियां कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर। और ये बस बात सिर्फ ये है कि इनको ट्रेन किया जाए। जब हम बच्चों को ट्रेन कर देते हैं तो इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और बहुत ऊँचे लेवल तक ये जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे सबसे आग्रह करूँगा, जो मेरे भाई हैं, जो दोस्त हैं, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा गेम में पार्ट कराएं, और यही बेनिफिट रहता है इस प्रकार से। ये कैटेगरी ऐसे चलती है, जैसे 8-9 साल, फिर 10 से 12 साल, 12 से 14 साल, 14 से 16 साल, फिर 18 साल, फिर उससे अपर, ऐसे कैटेगरी वाइज बच्चों के ये गेम कराया जाता है। और इसमें आप देखोगे एक ट्रेनर या मतलब एक कोच नहीं होता, इसमें अलग अलग 4-5 हम कोच रखते हैं, जो फिजिकल ट्रेनर, योगा ट्रेनर होते हैं। वो सब बच्चों के मार्क्स अलग अलग लगाते हैं कि किस बच्चे ने कैसा किया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसका जो योग का उसका सही से मूवमेंट था या पूरा था, नहीं था, किसी बच्चे ने सही से किया ना किया। तो इस प्रकार से वो सब अलग अलग मार्क्स लगाते हैं हर बच्चे के, और उसके बावजूद सभी कोच फिर मिलके जब फाइनल करते हैं तो किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है कि किस बच्चे का गोल्ड मेडल आया, किस बच्चे का सिल्वर मेडल आया और किस बच्चे का ब्रॉन्ज मेडल आया। तो उस तरीके से, और किस बच्चे ने आगे चलकर फ्यूचर में कितनी और मेहनत करनी है स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इनके प्रॉपर कैंप भी हम चलाते हैं।
और बच्चों को एक्स्ट्रा कोच भी उपलब्ध कराते हैं स्कूलों में। तो यहीं से कोशिश रहती है स्कूल की कि हमारे बच्चे आगे से आगे बढ़ें और हर तरह के गेम में पार्ट लें। और आज ये जो गेम हम यहाँ करा रहे हैं, इसमें हमारा साथ जो पानीपत रोटरी क्लब है, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया है आज ऑर्गेनाइजेशन में इसमें, क्योंकि जो यहाँ कोच है उनको भी हेल्प करनी है। आज वो अपना सारा काम छोड़ के इस पार्टिसिपेट इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक बेचारे खड़े रहेंगे यहाँ पे। और आप देख रहे हैं सारे कोच कितनी संगीत से अपना काम कर रहे हैं, यही समर्पित है इस के लिए, योग के लिए। तो इसको अगर ऊपर लेके जाना है तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये हमारा देश का एक, अब तो हमारी सरकार भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इन बच्चों को आगे चल के जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो भी बहुत काम आते हैं आगे, जहाँ पे भी ये जाते हैं बच्चे। और जो बच्चों को मेडल्स मिलते हैं इसमें, स्कूल भी, इनके टीचर्स भी जो इनके ऊपर मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स भी जो बच्चों को इतनी फ्रीडम देते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। जो बच्चों की मूवमेंट है देखो, बिल्कुल कई बच्चों की तो बहुत क्लियर होती है, उन्होंने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की है। हर बच्चे के अलग अलग आसन, जब उनको कमांड दी जाती है तो वो अपना आसन करते हैं। योग के कई सारे नियम हैं, इसके स्ट्रोक हैं, जैसे पहला नियम जैसे यम है, नियम है, आसन है, चौथा प्राणायाम है, यानी कि प्राणायाम, जैसे प्राणायाम को तो आप काफ़ी सभी जानते होंगे, प्राण सांस और आयाम को नियंत्रित करना या बंद करना, साथ ही जीवन शक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति। एक प्रत्याहार है, धारणा है, धारणा का मतलब ध्यान की वस्तु की प्रकृति का गहन चिंतन। और सातवां है जो समाधि है, जो इसका है, यानी कि समाधि का मतलब ध्यान के वस्तु को चैतन्य के साथ विलय करना। इसके भी दो प्रकार हैं, जैसे सह विकल्प और निर्विकल्प। निर्विकल्प जो समाधि में संसार में वापस आने का कोई मार्ग या व्यवस्था नहीं होती, ये योग पद्धति की चरम अवस्था होती है। योग हमारे वेदों से चलाया हुआ है, वहाँ से आप देखोगे कि हमारे वेदों में भी योग का बड़ा महत्व है। इसीलिए सरकार ने जब इसमें काम करने का सोचा तो बड़ी सफलता मिली, कि आज देखेंगे कि आप पूरे वर्ल्ड में, यानी कि संसार में योग का बड़ा महत्व है। और आप विभिन्न प्रकार की वीडियो और टीवी न्यूज़ पे देखते हो कि किस देश में कैसे योग को महत्व दिया जा रहा है। जब लोगों को यह समझ में आया कि योग से बहुत कुछ बदल जाता है, कितनी सारी बीमारियों के ऊपर इसका प्रभाव है बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, जो नियमित जो समय पर योग करते हैं, जो लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका बड़ा बेनिफिट होता है। अब ये जो बच्चे हैं, ये 12 से 14 साल के बच्चे हैं जो अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इनको जिस आसन के लिए बोला जा रहा है, कमांड दी जा रही है, ये बच्चे उसी आसन को करके दिखा रहे हैं आपके सामने। तो यही से चयन होता है। अब हमारी जो कोचिज की टीम है, उनको सभी को टी शर्ट वितरित भी कर दी है। देखेंगे कि जितने भी ऑफिशियल जो हमारे कोचेज हैं, रेफरीज हैं, वो उनको एक जैसी आप देखेंगे कि और सबको टी शर्ट दी गई है योग एसोसिएशन की तरफ से। और बच्चे नियमों को फॉलो करते हुए उनको जो कमांड दी जा रही है उसके साथ ही उसी आसन को हम देख रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं। बच्चों की जो मेहनत की है, उन्होंने जो प्रैक्टिस की है लगातार, वो आज उनकी आगे बढ़ने वाली है। यही है, बड़े बच्चों की तैयारी होती है कि हमारा जो कंपटीशन होगा वो कब होगा, कहाँ पे होगा, क्योंकि हम जो भी हर साल जो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन कराते हैं वो अलग अलग जगह पे कराते हैं,
ताकि बच्चों को भी पता चले, वो थोड़ा सा बाहर निकलें कि अब की बार हमारा कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि बच्चे जब से नया सेशन स्टार्ट होता है तब से वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में हमें पार्टिसिपेट करना है। योग का नियम है कि अगर आप रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इसके अंदर आपके शरीर के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, और जो आसन के जो प्रॉपर नियम हैं आप उनको अगर फॉलो करते हो तो आपके योग में जो आपकी अवस्था है मतलब आपका निरंतर सुधार होता चल जाएगा आपकी परफॉर्मेंस में। तो योग को अगर आप करते रहोगे तो इसके बेनिफिट हैं। अगर आपने एक बार छोड़ दिया उसके बावजूद फिर किसी दिन कर लिया तो उसका भी बड़ा फर्क होता है। ये सीनियर बच्चे हैं जो अब उस निचले क्रम से अब ऊपर वाले क्रम में जो बच्चे हैं जो 16 से 18 साल की जो कैटेगरी है उसके अंदर ये बच्चे अपनी परफॉर्मेंस अपने कोचिज अपने रेफरी के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बच्चे बहुत अच्छी, जिसको मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। इनमें इनके पेरेंट्स का भी योगदान है, इनके कोचेस जो हैं ट्रेनर हैं उनका भी बहुत योगदान है, और बच्चे की खुद की सबसे बड़ी मेहनत खुद की बच्चे की है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उनकी बच्चों की हुई मेहनत हमेशा रंग लाती है। जो फिनिशिंग के टाइम पर जो तैयारी करनी है, बच्चों को मेडल देने हैं सर्टिफिकेट देने हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। और एज ए प्रेजिडेंट जो मैंने सर्टिफिकेट पे साइन करने हैं तो यहाँ पे वही मैं साइन कर रहा हूँ सर्टिफिकेट पे, ताकि बच्चों को फिनिशिंग के टाइम पर जिन जिन बच्चों की पोजीशन है जिन जिन बच्चों को पार्टिसिपेट किया हम सबको सर्टिफिकेट मिल सके। क्योंकि बाद में सर्टिफिकेट हर कोच तक पहुँचाना बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए अब साथ के साथ ये जितने बच्चे आए हुए हैं सबके नाम सर्टिफिकेट में फिल हो चुके हैं, और इन पे अब प्रेजिडेंट के जो साइन करने हैं वो मैं साइन कर रहा हूँ। ताकि टाइम से बच्चे घर जा सकें। समाप्ति की ओर आज का टूर्नामेंट, और ये जो हमारे रोटरी क्लब की तरफ से चीफ गेस्ट हैं उनका वेलकम हम कर रहे हैं। सारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं रोटरी क्लब में जिन्होंने आज का हमारे इस गेम में साथ दिया है वो सभी लोग आ चुके हैं, और उनका एक के बाद एक उनका जो वेलकम है वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो एसोसिएशन की तरफ से। और रेखा मैम
सबको एक वेलकम की जो प्रक्रिया होती है जो जानते हैं कि हमारे धर्म और समाज में यह कितना अच्छी बात है कि सभी का स्वागत किया जाता है। पानीपत योगा एसोसिएशन टू वेलकम रोटेरियन रवीश मित्तल। ये रोटरी क्लब के सभी सदस्य हैं जो आज आए हुए हैं और ये संस्था बड़ी मेहनत बच्चों की हमेशा मदद करती है। जहाँ पे भी कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ हेल्प की जरूरत होती है तो ये क्लब बहुत ही सहायता करता है सबकी। के बाद सभी का मलिक साहब हैं एसोसिएशन में उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है हमेशा। और ये स्कूल की टीम है जो चीफ गेस्ट के लिए एक वेलकम का जो इवेंट था वो मैंने किया, बहुत ही अच्छा इवेंट था। जो बच्चों के परफॉर्मेंस है मैं एक वीडियो द्वारा अलग से एक वीडियो जो है अलग से चैनल पर डाल दूँगा जिसमें इनकी पूरी परफॉर्मेंस है, पूरा इवेंट है। ये जो आज के चीफ गेस्ट थे रोटरी क्लब से उनको बड़ा पसंद आया इन बच्चों का। और रेखा मैम ने भी जो प्रिंसिपल हैं फाइव संस्कृति स्कूल कल की उन्होंने भी इनका बड़ा बच्चों को दिया। और ये चीफ गेस्ट को एक ट्रॉफी भेंट करते हुए रोटरी क्लब से जो मान्यगण्य सदस्य हैं उनको वन बाय वन ट्रॉफी भेंट करते हुए एसोसिएशन की तरफ से। ये जसवंत सर हैं जो इन्होंने बड़ी मेहनत की है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में सुनोली, वहाँ पे बाहर के जो बच्चे थे वहाँ परेशान करते थे, इन्होंने पुलिस की मदद लेके वहाँ बिल्कुल एक सामान्य स्थिति कर दी है। पहले बहुत वहाँ गड़बड़ होती थी लेकिन उन्होंने पुलिस की मदद से इनके वहाँ पुलिस ने बड़ा साथ दिया और आज वहाँ पर बिल्कुल एक सभ्य तरीके से स्कूल को संचालित कर रही हैं। और अब बारी है उन बच्चों की जिन्होंने पोजीशन प्राप्त की है, गोल्ड मेडल जिन बच्चों के आए हैं, सिल्वर मेडल जिन बच्चों के आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल जिन बच्चों के आए हैं। वन बाय वन सभी बच्चों को सम्मानित करते हुए रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा रेखा मैम द्वारा बिल्कुल बच्चों के लिए एक मोमेंट होता है। ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है जब उनके गले में मेडल डलता है, बच्चे बड़े खुश होते हैं जब उनकी पोजीशन होती है तो ये कल्पना से परे होता है बच्चों के लिए। बच्चों का मन इतना प्रसन्न होता है कि बस इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। ये जिसको भी कभी मेडल मिला होगा उनको पता है कि उसके लिए कितना गर्व महसूस होता है बच्चे को अपने ऊपर, उनके टीचर्स को, उनके कोच को, उनके पेरेंट्स को, अपने बच्चों के ऊपर वो फूले नहीं समाते। ये रोटरी क्लब से मैडम है जो बच्चों को मेडल पहना रही है। और ये जो जिन्होंने सारा दिन कोच हमारे जो ट्रेनर हैं उन्होंने जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं जो उन्होंने जिसने सारा दिन मेहनत की है उनको एक छोटी सी ट्रॉफी और एक कैश प्राइज उनको सबको हमारी एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि इन्होंने अपना काम छोड़कर आज सारा दिन बच्चों को मैनेज किया, बच्चों को ऑफिशियली उन्होंने जो काम किया ये उन्हीं की मेहनत है कि आज का जो प्रोग्राम है वह सक्सेसफुल रहा और इतना अच्छा इवेंट हुआ। ये बड़ी खुशी की बात है और जो पारदर्शिता जो हमने सोची थी वह बिल्कुल रही, जो बच्चे इसके पात्र थे। और ये रेखा मैम के लिए है ट्रॉफी, इन्होंने आज यहाँ स्कूल में इतना ही अच्छा आयोजन किया, ये इसके
लिए बधाई के पात्र हैं, और ये हमारी तरफ से रेखा मैम के लिए ट्रॉफी, और ये एसोसिएशन की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। इसलिए लोग भाइयों धन्यवाद।